हर रोज मैं एक ऐसी रेस में दौड़ता हूँ जिसमें मैं कभी हिस्सा नहीं लेना चाहता था, मगर पीयर प्रेशर, जॉब सिक्योरिटी, सक्सेस यानी सरकारी जॉब, इन बातों के चलते मैं भी इस भीड़ में शामिल हो गया। और धीरे धीरे मेरे अंदर बैठा वो कलाकार कहीं खो गया। अगर सच कहूँ तो मैं इस कलाकार को खोना नहीं चाहता, और जिंदगी का सफर तो पैदल चल के भी तय कर लूंगा शायद, पर इस मेट्रो की भीड़ में मैं शामिल होना नहीं चाहता। हाँ भाई यूट्यूबर, कितने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तेरे? मुझे तो लगा सेलिब्रिटी बन गया होगा तू। कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म भर ले, ये जो तू कर रहा है इसमें कुछ भी नहीं रखा। भाई क्या करने में लगा हुआ है, तेरे सारे यार दोस्त सेटल हो चुके हैं, कभी गाने गा रहा है, कभी वीडियो बना रहा है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या? हाँ भाई यूट्यूबर, क्या करने में लगा हुआ है? मुझे तो लगा सेलिब्रिटी बन गया होगा, कुछ भी नहीं रखा। एक ही तो जिंदगी मिली है, इसे दूसरों की शर्तों पर कैसे गुजार दूं? कलाकार होने का वो पागलपन सर पर से अपने भला कैसे उतार दूं? और जिंदगी के इस मोड़ पर खड़े होकर ऐसे लग रहा है कि कहीं आसपास मौजूद लोगों के दबाव से भरी हवा मुझे नीचे ना गिरा दे। विशाल, 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 चलना नहीं है? पर मैं गिरने वाला नहीं। यूं जिंदा रहने के लिए अगर कमाता रहा तो वैसे भी एक दिन अंदर से मर जाऊंगा शायद, इसलिए कुछ पैसे अब मैं जीने के लिए कमाना चाह रहा हूं। इस 9 घंटे की कैद में दम घुटने लगा है मेरा। सर, मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूं।